हाल है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी मिस्ट्री के बारे में, सतोशी नाकामोटो जो बिटकॉइन के फाउंडर है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सतोशी नाकामोटो कौन है वो मास्टरमाइंड जिन्होंने डिसेंट्रलाइज करेंसी बिटकॉइन डेवलप किया है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सतोशी नाकामोटो एक एनोनिमस इंडिविजुअल या एक एनोनिमस ग्रुप है जिसने वर्ल्ड की फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को डेवलप किया है। ये बिटकॉइन डेवलपमेंट की स्टोरी स्टार्ट होती है 2007 से। एक्चुअली सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन कोड का डेवलपमेंट 2007 में शुरू किया। देन 18 अगस्त 2008 में सतोशी नाकामोटो ने एक डोमेन नेम bitcoin.org रजिस्टर किया और इस डोमेन नेम से एक वेबसाइट क्रिएट किया। फिर 31 अक्टूबर 2008 को सतोशी नाकामोटो ने एक पेपर पब्लिश किया क्रिप्टोग्राफी मेलिंग लिस्ट पर, बिटकॉइन व्हाइट पेपर। इस पेपर का टाइटल सतोशी नाकामोटो ने दिया बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इसी पेपर में सतोशी नाकामोटो ने ब्रीफली एक्सप्लेन किया क्या है बिटकॉइन, ये कैसे क्रिएट होता है, ये कैसे वर्क करता है, इन सब के बारे में। देन 8 जनवरी 2009 को सतोशी नाकामोटो ने 0.1 वर्जन बिटकॉइन सॉफ्टवेयर का रिलीज किया सोर्स फॉर्ज प्लेटफॉर्म पर। एक्चुअली सोर्स फॉर्ज प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने सॉफ्टवेयर को फ्रीली होस्ट कर सकते हैं। 11 फरवरी 2009 में सतोशी नाकामोटो ने अपना पहला पोस्ट क्रिप्टो करेंसी पर P2P फाउंडेशन फोरम में पोस्ट किया। इसमें सतोशी नाकामोटो ने बोला कि मैंने बिटकॉइन डेवलप किया है, ये न्यू ओपन सोर्स P2P कैश सिस्टम मतलब पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम है और ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पीयर टू पीयर क्या होता है। देखो दोस्तों, जब भी आप अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में मनी को ट्रांसफर करते हो तो बैंक बीच में आती है, बट बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में कोई बैंक बीच में नहीं आती, ये डायरेक्टली आपके वॉलेट से दूसरे के वॉलेट में चला जाता है। और डिसेंट्रलाइज का मतलब है, तो देखो दोस्तों, जो करेंसी होती है उसको एक सेंट्रल अथॉरिटी लाइक सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। इंडिया के केस में RBI करेंसी को रेगुलेट करती है, बट बिटकॉइन के केस में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। बिटकॉइन को कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं करता है, रादर बिटकॉइन के ऑल यूजर बिटकॉइन को कलेक्टिवली कंट्रोल करते हैं। और डिसेंट्रलाइज होने से एक बेनिफिट ये भी होता है कि कोई भी हैकर अगर चाहे तो वो प्रीवियस डेटा को डिलीट या एडिट या मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। इसीलिए सतोशी नाकामोटो ने अपने पहले पोस्ट में ये भी बोला कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन क्रिप्टो प्रूफ इंस्टेड ऑफ ट्रस्ट। और जैसे जैसे टाइम बीतते गए, सतोशी नाकामोटो अपने सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन लाते गए, जैसा कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। सतोशी नाकामोटो ने अपने सॉफ्टवेयर के वर्जन को अपडेट किया है किस किस टाइम पीरियड पर। लास्ट वर्जन जो उन्होंने रिलीज किया वो था 0.3.19, ये 13 दिसंबर 2010 को रिलीज किया गया था। इसी पोस्ट में उन्होंने बोला था कि ये रिलीज सम अमाउंट ऑफ DOS प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करेगी। लास्ट मेल जो सतोशी नाकामोटो का आया वो अप्रैल 2011 में आया। इस मेल में सतोशी नाकामोटो ने बोला कि अब वो अदर थिंग्स पर मूव कर चुके हैं और जो बिटकॉइन है अब वो सेफ हैंड में है। और लास्ट पोस्ट जो सतोशी नाकामोटो ने किया था वो 7 मार्च 2014 को किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आई एम नॉट डोरियन नाकामोटो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डोरियन नाकामोटो कौन है जिसका जिक्र सतोशी नाकामोटो ने किया। थोड़ा सा मैं आपको अभी इसके बारे में बता देता हूं, लास्ट में इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। एक्चुअली न्यूज़वीक मैगजीन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें लिखा था डोरियन नाकामोटो ही वो पर्सन है जिन्होंने बिटकॉइन डेवलप किया है, मींस ही इज द मैन बिहाइंड द बिटकॉइन। इन्होंने अपने मैगजीन में यही लिखा था। तो उसी के रिस्पांस में सतोशी नाकामोटो ने ये 7 मार्च 2014 को किया। इस दिन के बाद से सतोशी नाकामोटो का ना ही कोई मेल आया ना ही कोई पोस्ट आया। इस दिन के बाद से सतोशी नाकामोटो कम्प्लीटली वैनिश हो गए। एज पर फोर्ब्स, कुछ चीजें जो सतोशी नाकामोटो के बारे में उनके राइटिंग से पता चली है वो ये है कि टाइम स्टैम्प जो सतोशी नाकामोटो के पोस्ट और ईमेल पर था उससे पता चला कि वो प्रोबेबली आइदर UK या ईस्ट कोस्ट ऑफ US या वेस्ट कोस्ट ऑफ US में रहे होंगे जब उन्होंने ये मेल किया। सतोशी नाकामोटो अपने पोस्ट और ईमेल में ब्रिटिश स्पेलिंग का यूज करते थे लाइक फेवर FABOUR, इसमें यू एडेड है। यही अमेरिका में FABOR होता है, इसमें यू नहीं होता है। तो वो प्रोबेबली UK से होंगे या उन्होंने स्टडी अपनी UK में की होगी। सतोशी नाकामोटो की P2P फाउंडेशन प्रोफाइल से पता चला कि वो 2012 में 37 ईयर ओल्ड जापानीज थे। स्टीफन थॉमस स्विस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उन्होंने जब मोर देन 500 सतोशी नाकामोटो के पोस्ट के टाइम स्टैम्प को एनालाइज किया तो पता चला कि 5 AM टू 11 AM ग्रीनविच मीन टाइम में सतोशी नाकामोटो ने कुछ भी पोस्ट नहीं किया है। जैपनीज स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये 2 PM टू 8 PM का टाइम है। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर सतोशी नाकामोटो जैपनीज होंगे तो वो 2 PM से 8 PM के बीच सोते होंगे, जो कि एक अनयूजुअल स्लीप है। और हाँ दोस्तों, ऐसा क्लेम किया जाता है कि सतोशी नाकामोटो के पास अभी 7,50,000 बिटकॉइन से लेके 11 लाख बिटकॉइन है। मतलब वो इतने बिटकॉइन अभी होल्ड करते हैं। और नवंबर 2021 में बिटकॉइन ने अपनी हाईएस्ट वैल्यू रीच की। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इतने सारे बिटकॉइन की टोटल वैल्यू $75 बिलियन है। तो 2021 में सतोशी नाकामोटो का नेटवर्थ $75 बिलियन रहा होगा। तो उस हिसाब से वो 2021 में वर्ल्ड के 15th रिचेस्ट पर्सन थे। तो दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि सतोशी नाकामोटो आखिर कौन है, वो एक मेल है या फीमेल है या कोई ग्रुप है, ये किसी को नहीं पता। किसी को बस पता है तो स्पेकुलेशन कि हाँ वो जापान में रहते होंगे, उनकी एज इतनी होगी, दिस एंड दैट।
कौन है, ये राजनीति के साथ चला गया। अब जानते हैं दोस्तों सतोशी नाकामोटो के रूमर्ड इंडिविजुअल के बारे में। वो पर्सन जिसे मीडिया या पब्लिक ने सतोशी नाकामोटो बताया, या वो पर्सन जिसने खुद को सतोशी नाकामोटो क्लेम किया। इस लिस्ट में पहले आते हैं रोडियान नाकामोटो। मैंने इस नाम का जिक्र पहले भी किया था, जहां मैंने बोला था कि सतोशी नाकामोटो ने अपने लास्ट पोस्ट में क्या लिखा था, आई एम नॉट डोरियन नाकामोटो। एक्चुअली डोरियन नाकामोटो जापानीज अमेरिकन फिजिसिस्ट थे जो कैलिफोर्निया में रहते थे। जब न्यूज़वीक मैगजीन ने क्लेम किया कि डोरियन नाकामोटो ही सतोशी नाकामोटो हैं, तो उन्होंने इस क्लेम को क्विकली रिजेक्ट कर दिया। डोरियन नाकामोटो ने बोला, मैंने बिटकॉइन को ना ही क्रिएट किया है, ना ही इन्वेंट किया है, और ना ही इस पे वर्क किया है। उस टाइम डोरियन नाकामोटो ने यह भी बोला कि वो 10 ईयर से अनएम्प्लॉयड है, और 2013 में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई कि उनको अपना इंटरनेट फैसिलिटी बंद करवाना पड़ा, क्योंकि वो उसको पे नहीं कर सकते थे। डोरियन नाकामोटो ने यह भी बोला कि उनको बिटकॉइन के बारे में तब पता चला जब उनके बेटे ने उसको इसके बारे में बताया। इन सब के बाद डोरियन नाकामोटो ने फंड रेजिंग पेज स्टार्ट किया न्यूज़वीक मैगजीन के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल करने के लिए। सेकंड पर्सन जो है वो है क्रेग राइट, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर साइंटिस्ट है। वो अकेले पर्सन थे जिसने खुद को पब्लिकली क्लेम किया कि मैं ही सतोशी नाकामोटो हूं, बट किसी ने इनके इस क्लेम को सीरियसली नहीं लिया। यहां तक कि क्रेग राइट ने कोर्ट में यूएस कॉपीराइट भी फाइल किया कि बिटकॉइन व्हाइट पेपर और जो इनिशियली कोर्ट था बिटकॉइन को लेके, वो इन्होंने ही लिखा है, और इन दोनों चीजों पे उनको कॉपीराइट राइट चाहिए। उनको इस कॉपीराइट का राइट 2019 में मिल गया। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि अगर इनको कॉपीराइट का राइट मिल गया तो यही सतोशी नाकामोटो होंगे, तो नहीं दोस्तों। यहां पे आपको एक बात जानने की जरूरत है, ये जो कॉपीराइट का राइट था इसे हम और आप कोई भी क्लेम कर सकते हैं, तो ये प्रूफ ये साबित नहीं करता कि क्रेग राइट ही रियल सतोशी नाकामोटो है। थर्ड पर्सन है निक सजैबो। वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर और क्रिप्टोग्राफर है। निक ने क्रिप्टोकरेंसी बनाने में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 1990 में दिया था। इस क्रिप्टोकरेंसी का नाम उन्होंने रखा था बिट गोल्ड, बट ये सक्सेसफुल नहीं रहा। बाद में ये बात पता चली कि जो बिट गोल्ड है और जो बिटकॉइन है दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। इवन इलॉन मस्क ने भी अपने पॉडकास्ट में क्लेम किया। Well, I mean, you can look at the evolution of ideas before the launch of Bitcoin and see who wrote, you know, about those ideas. And then, I don't know exactly. Obviously, I don't know who created Bitcoin for practical purposes, but the evolution of ideas is pretty clear before that. And like, it seems as though like Nick Szabo is probably more than anyone else responsible for the evolution of those ideas. कि उनको लगता है कि निक ही रियल सतोशी नाकामोटो है, क्योंकि इलॉन मस्क का मानना था कि क्रिप्टोकरेंसी के आइडिया के इवोल्यूशन के लिए निक ही रिस्पांसिबल है, बट निक ने इस क्लेम को कंटिन्यूसली डिनाई किया। फोर्थ पर्सन जो इस लिस्ट में है वो है हेल्फिनी। हेल्फिनी एक क्रिप्टोग्राफर थे। यहां आप ध्यान देना दोस्त, वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें सतोशी नाकामोटो ने खुद 2009 में 10 बिटकॉइन ट्रांसफर किए अपने वॉलेट से। तो कुछ लोगों का मानना है कि हेल्फिनी ही अपने एक डुप्लीकेट नेम सतोशी नाकामोटो क्रिएट करके अपने पास बिटकॉइन ट्रांसफर किए होंगे, और हेल्फिनी फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने बिटकॉइन सॉफ्टवेयर कोड डाउनलोड किया जब सतोशी नाकामोटो ने उस कोड को सोर्स फोर्ज प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया। ऑल्दो 2014 में हेल्फिनी की डेथ हो गई, लेकिन जब तक वो जिंदा थे तब तक उनका यही कहना था कि वो सतोशी नाकामोटो नहीं है। यहां तक कि दोस्तों एक स्पेसएक्स के इंटर्न ने ये क्लेम कर दिया कि इलॉन मस्क ही सतोशी नाकामोटो है। एक्चुअली स्पेसएक्स के इंटर्न साहिल गुप्ता ने एक ब्लॉग पोस्ट वेबसाइट मीडियम पर क्लेम किया कि इलॉन मस्क ही सतोशी नाकामोटो है, बट इलॉन मस्क ने 2017 में अपने ट्वीट में बोला कि वो सतोशी नाकामोटो नहीं है। तो सवाल उठता है दोस्तों, सतोशी नाकामोटो जिनके पास इतनी सारी बिटकॉइन है, जो वर्ल्ड के टॉप 100% में अभी है, वो क्यों नहीं दुनिया के सामने आना चाहते हैं, क्या रीजन है आखिर? तो इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से जो मे बी रीजन हो सकते हैं वो ये है कि पहला कि वो 1 मिलियन बिटकॉइन ओन करते हैं, और अभी के हिसाब से इनकी वैल्यू अप्रोक्स $20 बिलियन है। सतोशी नाकामोटो ने बस 2009 में हेल्फिनी को 10 बिटकॉइन सेंड किया था, देन उसके बाद से सतोशी नाकामोटो ने कोई भी बिटकॉइन अपने वॉलेट से मूव नहीं किया। तो अगर अभी किसी पर्सन को पता चले कि ये पर्सन सतोशी नाकामोटो है, तो उसको मे बी ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है, लाइक कुछ क्रिमिनल्स उनको ब्लैकमेलिंग शुरू कर दें, और ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ लीगल एक्शन उनके खिलाफ ले, क्योंकि ऑल्दो बिटकॉइन कोई रेगुलेटेड करेंसी तो नहीं है। तो दोस्तों, हु इज सतोशी नाकामोटो, वो 21st सेंचुरी की अभी सबसे बड़ी मिस्ट्री है। ऑल्दो 16 सितंबर 2021 में बुडापेस्ट में सतोशी नाकामोटो का एक स्टैचू अनवील किया गया। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि अभी तक किसी को नहीं पता कि सतोशी नाकामोटो कैसे दिखते थे, वो मेल थे कि फीमेल थे, कि या सतोशी नाकामोटो एक ग्रुप ऑफ पर्सन का नाम है। तो दोस्तों, यही थी पूरी स्टोरी सतोशी नाकामोटो के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, ऐसा ही कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कुछ बोलना है मेरे बारे में या वीडियो के बारे में तो कमेंट कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत, टाटा।